उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। अगर आरोपों की माने तो दूसरी जाति के युवक से शादी करने से नाराज अपना अपमान महसूस कर रहे युवती के परिवार वालों ने युवती को पहले गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे ये लगे कि लड़की की छत से गिरकर मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले में पुलिस ने युवती के भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। तीन हत्यारे अभी फरार हैं। घटना थाना किशनी इलाके के नगलाकले गांव की है। यहां की रहने वाली युवती रूबी सिंह ने जालौन के रहने वाले सुनील गुप्ता से बीती 2 जुलाई को प्रेम विवाह किया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया था। अंतर जातीय प्रेम विवाह से युवती रूबी सिंह के परिवार वाले बेहद खफा थे। बताया जा रहा है कि रूबी के भाई सौरभ की शादी के रिश्ते में भी दिक्कत आ रही थी। रूबी के अंतर जातीय प्रेम विवाह के कारण सौरभ की शादी का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रूबी सिंह का भाई सौरभ और परिवार के लोग अपमानित महसूस कर रहे थे। इसी के चलते युवती रूबी सिंह के परिवार वालों ने रूबी सिंह को मार डालने की योजना बना डाली, जिसके तहत युवती रूबी सिंह को उसके पति सुनील गुप्ता के घर से यह कहकर इटावा के रोडवेज बस अड्डा पर बुला लिया गया कि उसके भाई सौरभ की शादी पक्की होनी है। इटावा के रोडवेज बस अड्डा से रूबी सिंह को उसका चाचा रामू सिंह अपने साथ गांव किशनी इलाके के नगला कले ले आए। योजनाबद्ध तरीके से रूबी सिंह के भाई सौरभ सिंह व उसके चाचा रामू सिंह व पिता वैभव सिंह ने परिवार के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बीती 19 अक्टूबर की रात्रि रूबी की गला घोंटकर पहले हत्या कर दी, उसके बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे ये लगे कि रूबी छत से गिरकर मर गई है। इतना ही नहीं, हत्यारों का नाटक यहीं तक नहीं रुका। वह मृतक रूबी को लेकर इलाज के लिए कानपुर के लिए भी भागे। रास्ते में रूबी को मृत दिखाकर हत्यारों ने मृतक रूबी सिंह के पति सुनील गुप्ता को बिना सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी होने पर सुनील गुप्ता ने रूबी सिंह के परिवार के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैनपुरी के SP अजय कुमार ने खुद जांच की कमान संभाली। पुलिस के हाथ हत्यारों तक आखिर पहुंच गए। मामले में पुलिस ने युवती रूबी सिंह की हत्या करने वाले उसके भाई सौरभ व चाचा रामू सिंह को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। मैनपुरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सौरभ सिंह, ये रामू सिंह, इनके चाचा हैं सगे। प्रकरण थाना किशनी जनपद मैनपुरी का है। यहाँ पर 20 तारीख को एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी नगला कले गांव में। उस लड़की की मौत के बारे में तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच एक सुनील गुप्ता नामक युवक ने, जो कि जालौन के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इस लड़की का ऑनर किलिंग हुआ है और उसमें उस लड़की के पिता को, भाई को, चाचा को और 2 सगी बहनों को नामजद किया गया था। उस तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस ने बहुत सक्रियता के साथ छानबीन शुरू की। छानबीन शुरू करने में बात सामने आई कि वास्तव में इस लड़की के भाई सौरभ सिंह उर्फ वैभव सिंह और इसके चाचा रामू सिंह ने मिलकर 19/20 की रात को इसके नगला कले गांव में छत पर इसका पहले गला घोंटा था। उसके बाद जब ये मूर्छित हो गई तो उसको उठा करके छत से नीचे फेंक दिया था, ताकि यह घटना बनाई जा सके कि लड़की छत से गिर गई है। यह घटना कारित किया गया इनके द्वारा। इसके कारित करने के पीछे का कारण इनसे पूछा गया तो जानकारी मिली कि इनको पता चल गया था कि लड़की ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था। लड़की के अंतरजातीय विवाह करने के कारण इनकी बदनामी की संभावना थी, और साथ ही साथ सौरभ सिंह, जो इसका भाई है, उसकी शादी तय होने में दिक्कत हो रही थी। अभी हाल फिलहाल में इसकी शादी इटावा में तय हो रही थी, मगर उसमें इस वजह से अड़चनें आ रही थी कि इसकी बहन ने भाग करके अंतरजातीय विवाह कर लिया। इससे निजात पाने के लिए सौरभ सिंह और रामू सिंह ने, दोनों ने मिलकर और इनके पिताजी ने मिलकर के सब ने प्लानिंग की
कि इसको इस तरह से इस लड़की को ख़त्म किया जाए, इसको किसी बहाने से बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस को शंका इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जब लड़की छत से गिरी थी या गिरना बताया गया था तो उस लड़की को अस्पताल नहीं ले गए थे। उस लड़की के बारे में, गिरने के बारे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, और यहाँ तक कि जब उस लड़की का दाह संस्कार इन्होंने किया है तब लड़की के पति यानी सुनील गुप्ता को भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि इनको पूरी बात मालूम थी कि यह लड़की प्रेम विवाह कर चुकी है, कोर्ट मैरिज कर चुकी है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी है। तो इन सब चीज़ों के कारण यही चीज़ सामने आई कि इन्होंने उस लड़की का गला दबा करके हत्या की, उसको छत से फेंक दिया और उसको मर जाने के लिए केवल ड्रामा करते रहे और उसकी घायल अवस्था में उसको लेकर के कानपुर तक की यात्रा किए, फिर कानपुर से वापस आ गए। उसके बाद बिना इसके प्रेमी या पति को बताए हुए इन्होंने लाश को जला करके सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इसलिए सभी लोग 302, 201 और 120 बी के मुलजिमान पाए गए हैं। सभी को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.